नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे प्रीकास्ट पीएससी आई गडर में जो स्लीव लगता है उसका टेम्पलेट कैसे बनता है। ये हमने एक सैंपल बनवाया है टेफकॉन बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका स्पैन लेंथ 40.5 मीटर है। एज पर ड्राइंग के अनुसार ये लॉन्ग टर्मिनल डायरेक्शन में टेम्पलेट प्लेसिंग होगा और ये फिक्स बियरिंग है। दोस्तों, ये आरओबी का 40.5 मीटर स्पैन का PTFX1 बियरिंग है। 4624 किलो न्यूटन का ये बियरिंग है, जिसका स्लीव का डाया 56 mm का है और स्लीव का लेंथ 300 mm का है। इसमें 6 नंबर ऑफ स्लीव लगेगा। दोस्तों, अब जो साइड पे प्लेसिंग किया गया है ड्राइंग के अनुसार, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये टेम्पलेट स्लीव के साथ वेल्डिंग करके और इसका जो होल है स्लीव का बॉटम में, उसमें फोम और ग्रीस भर करके इसको फिल कर दिया गया है। उसके बाद टेम्पलेट को सेंटर लाइन ऑफ ये बियरिंग का है और सेंटर लाइन ऑफ गर्डर दोनों एक साथ मैच होना है। दोस्तों, ये जो मार्किंग है एंड फेस है 40 मीटर स्पान गर्डर का, और ये है सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग जो 425 mm एंड फेस से है सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग। इस हिसाब से दोनों एंड में इसका लाइन से मैच करके और टेम्पलेट को फिक्स कर दिया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्लीव का जो होल है सेंटर का, दूसरे जो स्लीव है उससे मैच होना। तो इसमें जो स्लीव का होल है सेंटर सेंटर, वो मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सेंटर टू सेंटर ऑफ स्लीव का जो होल है दिया हुआ है ए प्लस एल वन सेंटर टू सेंटर, प्लस माइनस 2 mm का कम बेस हो सकता है। अब इसमें ए क्या है और एल क्या है उसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। पॉट का ए है 630 mm और एल वन है 110 mm। 630 प्लस 110 को ऐड करेंगे तो 740 होगा। ये बियरिंग का जो होल टू होल होगा 740 mm होगा, किसी भी आप एंगल से इसको नापेंगे तो। देखिए दोस्तों, ये 740 mm है सेंटर टू सेंटर ऑफ जो इसका स्लीव का होल है। और इसी हिसाब से दोस्तों, इसके दूसरे एंड में भी टेम्पलेट को प्लेसिंग किया गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।